हेलो दोस्तों, मैं प्रभाष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कीटोन का आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कीटोन वाले कार्बनिक का आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं बहुत आसान से बताऊंगा। इसका मैं रूल बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप किसी भी कंपाउंड में सी डबल ओ सम उड़ाता है उसका आंसर कर दीजिएगा आईपीसी नामकरण। या मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिया हूँ, एग्जाम्पल को समझाऊंगा, रूल बताऊंगा। सो समझना फ्रेंड्स, क्लियर करना, तो इस वीडियो को अंत देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए यहाँ पे मैं कुछ छह एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रूल लिखा हूँ। पहले मैं तो थोड़ा सा आपको चुकी, देखिए कीटोन का तो पार्ट वन का वीडियो है, कीटोन का मैं पार्ट टू लाऊंगा, इसमें मैं कुछ इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का वैसे ना बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले समझिए इसको कैसे होता है, ठीक है। और जो मैं जानते हैं आप लोग कि मैं दो पार्ट में सारा पेशन का सीरीज ला रहा हूँ, सबका क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को समझेंगे कीटोन का। देखिए पहले आप समझें कि कीटोन आखिर होता क्या, ठीक है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का कॉमन नाम क्या होता है, इसमें जानिएगा तब ना कुछ इसको आईपीसी नाम करना चार करिएगा, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक चीज जान लीजिए, आपको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए बहन, कीटोन का तो फंक्शनल ग्रुप देखा जा, फंक्शनल ग्रुप जिसे बोलते हैं क्रियाशील समूह, जिसे हम लोग पता लगाते हैं कि वो कार्बनिक यौगिक का गुण कैसा रहेगा, जानते ना फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, वो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और इस तरफ वैलेंसी रहता है। इस तरफ वैलेंसी का मतलब इस तरफ कोई भी क्या अल्काइल ग्रुप जुटेगा, इसका मतलब मान लीजिए इधर आर रहेगा अल्काइल, इधर ओ आर जुट सकता है। तो कीटोन का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, आर सी डबल ओ आर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, प्रसंस्करण देखा जाए, तो एस पी थ्री होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में ट्वेल्थ में नीट में या कोई जेई मेंस वगैरह सब भी आ जाता है, तो कीटोन में जो कार्बन का प्रसंस्करण एस पी थ्री होता है, ये तो जान गए फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो कीटोन का तो सफिक्स देखा जाए, सफिक्स का मतलब क्या होता है, अनुलग्नक। अनुलग्नक का मतलब जो पीछे लगे कंपाउंड के, जो पीछे लगे अनुलग्नक कहते हैं उसको। तो सफिक्स तो जो कीटोन का लगता है, देखिए कीटोन का लास्ट में क्या आया है, कीटोन ओन आया ना, तो सफिक्स इसका ओन हो जाएगा। बस सुना है, कीटोन का सफिक्स क्या होगा, ओन होगा। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होगा। ये तो हो गया दोस्तों। तो कीटोन जो होता है ना, दो तरह का होता है, याद रखिएगा। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होगा दो तरह का होता है, एक सममित होता है, एक विषममित होता है। सममित कौन होगा, देखिए कीटोन थोड़ा सा कुछ समय के लिए इतना आप जान लीजिए, फिर मैं रूल बताता हूँ, फिर फटफट सब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एक तो सममित होता है, सममित सिमेट्रिक, एक विषम सममित होता है कीटोन। भाई सममित विषम सममित कब होगा, देखिए देखिए फिर सममित कब होगा, जब दोस्तों सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान कार्बन की संख्या वाले एल्काइल ग्रुप रहे। जब सी डबल ओ समूह के दोनों तरफ बाइवेलेंसी होता है ना, दोनों तरफ यदि समान संख्या में समान कार्बन की संख्या में एल्काइल ग्रुप रहे तो सममित होता है। इसे मान लो इधर भी तीन कार्बन का एल्काइल ग्रुप और इस साइड भी तीन कार्बन का एल्काइल ग्रुप आर आर, तो ये सममित हो जाएगा। विषम सममित कब होगा, जब सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग हो, तो विषम सममित होगा। जैसे यहाँ पे हमारा आर रहेगा, यहाँ पे आर डैश रहेगा, इधर तीन कार्बन का रहेगा तो इधर दो कार्बन का रहेगा, या तीन इधर दो ऐसे लग रहेगा। यहाँ पे देखिए इधर एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप, ये तीन कार्बन का, ठीक है। इधर सममित है एक एक, ये तो बात हो गया भाई, जान गए। अब आते हैं हम लोग रूल पे आते हैं, डायरेक्ट रूल पे आते हैं। देखिए रूल क्या होता है, रूल दोस्तों जो हमने इथर में किए थे वैसा ही रूल है। सबसे पहला रूल दोस्तों क्या है, सी डबल ओ यानी कि कीटोन समूह को शामिल करते हुए लंबा पैरेंट चेन लेना। पहला रूल क्या है, सी डबल ओ को छोड़ना नहीं है, इसको शामिल करते हुए पैरेंट चेन लंबा लेना, सबसे लंबा पैरेंट चेन लेना। ऐसे में सब किसी भी आईपीसी नॉर्मल लेक्चर में पहला रूल ये होता है कि पैरेंट चेन लेना, सबसे लंबा पैरेंट चेन। तो कैसे लेना, शामिल करते हुए, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको शामिल करते हुए लेना। दूसरा रूल क्या, यदि सी डबल ओ समूह की संख्या एक हो तो उसका जो फॉर्मेट बनेगा आईपीसी नाम का, अल्केन एक्स ओन बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन एक्स ओन बनेगा फॉर्मेट। तीसरा रूल क्या है, यदि सी डबल ओ बॉन्ड की संख्या दो हो तो अल्केन एक्स बाई डाई ओन होगा, अल्केन रहेगा नहीं, एक्स बाई क्या होगा, पोजीशन होगा। मान लीजिए पहला कारण पे कीटोन का आया है, ये मान लीजिए तीसरा कारण पे आया तो ये कॉमा तीन डाई ओन हो जाएगा, ठीक है, एक्स बाई पोजीशन हो गया, किसका, सी डबल ओ का, इसका। चौथा रूल क्या, यदि सी डबल ओ बॉन्ड की संख्या, सी डबल ओ समूह की संख्या तीन हो तो अल्केन एक्स वाई जेड ट्राइओन कहेंगे, मतलब तीन तीन को आ जाएगा, जैसे हम अगला जो पार्ट लेंगे ना उसमें तीन तीन को भी रहेगा, तो वहाँ पे ट्राइओन होता है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड ट्राइओन हो जाएगा।
पांचवा क्या आपका स्टेप स्टेप नहीं सॉरी रूल, नंबरिंग सी डब्लो की संख्या तरफ से करें जैसे नजदीक पड़े। एक बात याद रखें दोस्तों, जिस किसी का भी फंक्शन ग्रुप का आप नॉमिन क्लिचर करिएगा ना, तो उसको प्रायोरिटी बढ़ा दीजिएगा, मतलब नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से वो फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़े, नियरेस्ट पड़े, बस ना। चलिए यही रूल है। यदि कोई मान लीजिए अल्काइल ग्रुप या कोई शाखा रहेगा तो शाखा का नाम लिखेंगे, शाखा का नाम पहले लिखते हम लोग जानते ही हैं। चलिए रूल में अब आते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, पहला तो तुम्हारा क्या, देखिए पहला सी थ्री सी डबल ओ सी थ्री, तो सबसे पहला रूल क्या बताया था मैंने अभी कि सबसे लंबा चेन लेना कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन का लंबा चेन। नंबरिंग किधर से करना, जैसे नजदीक पड़े तो नंबरिंग वन टू थ्री, कहीं से कहीं तो दूसरे कार्बन पर सी डबल ओ आ रहा है, तो इसका आई पी सी नाम क्या आ जाएगा। देखिए क्या होगा पी सी नाम, तीन कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है ना, तो चूंकि जब एक सी डबल, चूंकि यहाँ इस यौगिक में एक वो सी डब्लू है, तो एक सी डब्लू रहता है तो उसको क्या कहते हैं, अल्केन एक्स वन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोपेन एक्स मतलब पोजीशन, तो दूसरा कारण पे आया ना पहला दूसरा, तो प्रोपेन टू ओन हो जाएगा, समझा। आईपीएस में क्या आ जाएगा, प्रोपेन टू ओन हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल प्रोपेन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि नॉर्मल ही है ना, तीन सीधा रहता है तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल भी लगा सकते हैं, प्रोपेन टू ओन भी लिख सकते हैं। ये वो इसका पेशी नाम, कोई दिक्कत, नंबरिंग मैंने कर दिया, दूसरा कारण मैं कीटोन लिख दिया आ गया। चलिए अब दूसरा का करते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखिए पहले क्या करेंगे, लंबा चेन लेंगे, तो एक दो तीन चार कार्बन का लंबा चेन मुझे मिल जाएगा, तो लंबा चेन मैंने ले लिया। अब भाई बात आता है कि नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग करने का मुझे दो ऑप्शन मिला है, एक ऊपर से वन टू थ्री फोर, इधर से मैं नंबरिंग किया तो तीसरा पे सी डब्लू आया है, इधर से नंबरिंग करता हूँ वन टू थ्री फोर, इधर से मैं नंबरिंग का दूसरा पे सी डब्लू आया, क्योंकि हम लोग आई पी सी नाम करें कीटोन का, तो कीटोन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, कीटोन नजदीक पढ़ना चाहिए, तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरा पे है, ये दूसरे पे है, ये ऊपर वाला आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए भाई इससे क्या आता है, पहला क्या करें, एक चूंकि इसमें इस यौगिक में एक ही सी डब्लू है ना, एक सी डब्लू के लिए फॉर्मेट क्या बनता है, अल्केन एक्स ओन बनता है, जिसका आई पी सी नाम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये चार कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटेन होता है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और एक्स मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है, तो किस किस कारण पे आया है सी डब्लू, पहला दूसरा कारण पे आया, तो ब्यूटेन टू ओन हो जाएगा। कोई दिक्कत, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। कोई भी दिक्कत हो रहा है दोस्तों कमेंट करिए, मैं आपका समस्या को समझा लूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए, और चैनल में पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए फ्रेंड्स तीसरा को करते हैं सोल्यूशन। देखिए तीसरा दोस्तों आपका क्या है, नंबर चेन लेंगे, तो लंबा चेन लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाम एक दो तीन चार पांच कार्बन का लंबा चेन, तो मुझे पांच से ज्यादा मिल ही नहीं रहा तो पांच ही लेंगे ना। अब बात आता दोस्तों नंबरिंग का, नंबरिंग किधर से करें, तो दो दो नंबरिंग करने ऐसे ही, देखिए नंबरिंग करने का दो ही आपका क्या बोला था ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है, तो करिए नंबरिंग, करते हैं फटाक से, एक ऊपर से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, मैं इधर से नंबरिंग किया तो तीसरा पे सी डब्लू आया, इधर से नंबरिंग करिए तो वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से मैं नंबरिंग का तीसरे पे आ रहा है, कोई भी आपका सही है ऊपर या नीचे कोई भी सही ले सकता है। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें एक ही सी डब्लू है ना, तो क्या आता है एल्केन एक्स ओन आता है। देखिए दो गो रहा है तो देखिए यहाँ दो गो है दोस्तों, घबराइए मत, दो गो नहीं दो गो यहाँ भी है, ठीक है, आएगा प्रश्न आपका। तो पांच कार्बन के लिए क्या आता है, पेंटेन होता है। अब पेंटीन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, पेंटाइन में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, पेंटाइन लिखते हैं उसका ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखते हैं, उसका भी मैं न्यूमेरिकल लूंगा अगला पार्ट में, घबराइएगा मत, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, उसको अगला लेंगे पार्ट, ठीक है। तो पांच कार्बन के लिए पेंटेन होता है ना, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तीसरा पे क्या आया, कीटोन आया, तो पेंटेन थ्री ओन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए फिर चौथा का कर लेते हैं हम लोग सोल्यूशन, तो चौथा का सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंट चेन लेंगे, लंबा पैरेंट चेन, तो लंबा पैरेंट चेन किधर से हो जाएगा, ये लंबा पैरेंट चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग का बात है, देखिए नंबरिंग से बहुत आपको मुख्य भूमिका निभाता है, नंबरिंग इधर से वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से चौथा पे आया है वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से दूसरा पे आया तो हमको ये वाला सही रहेगा, ये वाला गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि सबसे क्या रहेगा नंबरिंग की तरफ से करें ताकि ये जो कीटोन से वो नजदीक पड़े, तो नजदीक पड़ा मुझे दूसरा पे। अब ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, पांच कार्बन के लिए क्या आता है, पेंटेन होता, दूसरा पे आता पेंटेन टू ओन हो जाएगा,
तो आपसे कोई पूछ देगा कि इसका आईपीसी नाम क्या होता है, क्या होता है, पेंटेन 2-1 होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका आईपीसी नाम इसको AC2-1 भी बोलते हैं, ठीक है, नवा प्रोपेन हो गया। चलिए फ्रेंड्स पांचवा करते हैं आईपीसी नाम। देखिए फ्रेंड्स ई मैं इसलिए इस कंपाउंड को लिया हूं ना ताकि आप इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये फ्रेंड्स बाउंड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बाउंड लाइन स्ट्रक्चर में करते हैं, क्योंकि कार्बनिक को दर्शाने के लिए बहुत सारा मेथड होता है। तो ये बाउंड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, सिर्फ ब्रांच दिखेगा। तो यहाँ पे जहां जहां टर्निंग पॉइंट होता है वहां वहां कार्बन होता है, याद रखिएगा, केयरफुली नोट करिएगा इसको। तो यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 4 कार्बन का पेरेंट चेन मुझे मिल गया। अब है नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करिए तो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, इधर से नीचे करिए 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ भी दूसरा पे, यहाँ भी तीसरा पे, इधर से अगर दूसरा पे तीसरा पे, तो कोई भी आपको कहिए सही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड इसको नंबरिंग तो हो गया, पेरेंट चेन मुझे मिलेगा, 4 कार्बन का पेरेंट चेन मुझे मिल गया। अब नाम क्या करेंगे, इसका आईपीसी नाम करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। देखिए 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटेन होता। अब जरा रूल नंबर तीसरा पे आइए, क्या बड़ा, यदि सी डबल ओ की संख्या 2 हो तो फॉर्मेट क्या बनता है, अल्केन एक्स बाई डाइन बनता है, डाइओन। तो यहाँ पे चूंकि देखिए एक्स बाई क्या होता है, पोजिशन होता, तो दूसरा पे तीसरा पे, तो ब्यूटेन 2.3 और डाई हो जाएगा, दो को है ना सी डबल ओ समूह कीटोन, तो दो को के लिए डाई हो गया, और ओन लगा देंगे, ओन सफिक्स लास्ट में ओन लगता है, ये हो गया आपका इसका पांचवा का। छठा देखिए कर लीजिए, छठा लंबा पेरेंट चेन 1, 2, 3, 4, 4 गुने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो, 7 को सबसे लंबा पेरेंट चेन है, तो 7 को लंबा पेरेंट चेन ले लीजिए। पेरेंट चेन लंबा चेन ले लेंगे, पेरेंट चेन, ठीक है, 7 को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, नमनी का बात है, नमनी करिए 2 तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऊपर से करिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए मैं इधर से नंबरिंग किया तो चौथा पे सी डबल आया है, इधर से मैं नंबरिंग किया ऊपर से तो चौथे पे आया। कोई भी ले लीजिए, हमको फ्रेंड सी डबल ओ से मतलब है, इथाइल मिथाइल से मतलब नहीं है, चूंकि मिथाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि इधर से भी तीसरे पे आ रहा है, पांचवा पे आ रहा है, इधर से भी तीसरे पांचवा पे आ रहा है। चलिए अब भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बोला था कि जब इथाइल मिथाइल रहे ना तो पहले उसको नाम लिख लीजिएगा पोजिशन के साथ, तो मैं पोजिशन साइन लिखता हूँ, तीसरा पे मिथाइल है, एक पांचवा पे मिथाइल है, तो 3.5 डाई मिथाइल। 7 के लिए क्या आता है, हेप्टेन, इसमें एक ही सी डबल ओ है, तो हेप्टेन 4-1 हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स इस वीडियो में 5-6 हम लोग क्या किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कीटोन का था उसका मैंने हम लोग आईपीसी नाम किए। ये पहला पार्ट था, इसमें कुछ आपको आसान लग रहा है, आसान इतना है नहीं, आपको रूल को समझाने के लिए ये 6 एग्जांपल लिया गया, ठीक है। लेकिन जो अगला पार्ट 2 है उसमें रूल में मैं नहीं बताऊंगा, उसमें डायरेक्टली हम लोग 7-8 प्रश्नों पे आएंगे जो हमारे 12th-11th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से समझ सकते हैं कैसे कीटोन का आईपीसी नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है, रूल देख लीजिए आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही, आज का वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले पहुंचते रहे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आईपीसी नाम का सीरीज चला रहा हूँ, सभी सारे कंपाउंड का मैं 2-2 पार्ट में सीरीज के थ्रू आईपीसी नाम बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको क्लास 10th-11th-12th का एनसीईआरटी का सोर्स भी कराया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब कर रखे, और साथ में जो बेल है नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियो होंगे आप सबसे पहले पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स का जो आपके साथ पढ़ते नहीं जानते, ताकि वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा, टेक केयर, बाय।